डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीम और देख रहे हैं बीम पे आधारित प्रश्न। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले आइए या फिर इसी वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लोड और यूरियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दोनों ही लगे हुए हैं। उस केस में हम लोग को क्या करना है, जो रिएक्शन आरसी है और आरडी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने किया है सेम वैसे ही करना है, बस उसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो आपको आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले समेशन एक्स इक्वल टू जीरो, कोई भी हाइड्रोजन फोर्स नहीं लग रहा है उसको छोड़ देते हैं। समेशन वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं, तो आर सी क्या है पॉजिटिव होगा, आर सी प्लस क्या है आर डी, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। माइनस कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे, 4 किलो न्यूटन, न्यूटन लिखेंगे हम 40 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पे यूरिया लग रहा है, कितने का है 2 किलो न्यूटन का, कितने एरिया लग रहा है 2 मीटर में, तो 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर, 1 मीटर में 2 किलो न्यूटन, तो 2 मीटर में दोगुना 4 किलो न्यूटन, यानी कि माइनस 2 × 2 कर लेंगे, 2 किलो न्यूटन 2 मीटर के लिए तो कितना जाएगा 4 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये बल कितना लगा है -1 = 0। ठीक है, यही बात ध्यान रखना है कि जितने एरिया में लगेगा उसके वैल्यू से इसको गुणा करके इसका मान निकाल लेना है। ठीक, आपका जाएगा आर सी प्लस आर डी -4 - 4 - 1 = 0, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, तो आर सी प्लस आर डी इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। ठीक है, 9 किलो न्यूटन क्वेश्चन नंबर। अब क्या करेंगे, अब मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, मोमेंट निकालेंगे ए पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। तो सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालने आर सी इंटू जीरो, जीरो डिस्टेंस पे है, प्लस आर डी, आर डी से आर सी तक का वैल्यू डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर, यानी 1 2 3 4 और ये 2 6 मीटर, 6 मीटर है, माइनस जो 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन का बल, ये सी पॉइंट से कितने दूरी पर है, सी पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो 1 2 3 और ये 2 5 मीटर दूरी पर है। ठीक, माइनस यहाँ बल कितना लगा है 2 किलो न्यूटन, कितने दूरी में 2 किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे 2 × 2। ठीक है, ये बल निकल गया। अब हमने बताया था इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पिछले वीडियो में, तो दो यहां से यहां तक के बीच का तो डिस्टेंस है कितना है 2 मीटर है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे कहां लगेगा, बीच में लगेगा। ठीक है, यानी कि 1 मीटर पे हो जाएगा, इस साइड से 1 मीटर पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बल कितना लगेगा 4 किलो न्यूटन का, दोगुना 4, इस बीच में कितना बल लगेगा 4 किलो न्यूटन का, तो पॉइंट सी से डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर 1 मीटर हो जाएगा, और 1 मीटर ये 1 मीटर और 1 मीटर, यानी कि 3 मीटर, तो इसका बल यूरियल का बल लगेगा सी पॉइंट से कितनी दूरी होगा 3 मीटर की दूरी होगा, गुणे 3, माइनस कितना बल लग रहा है 1 किलो न्यूटन, कितनी दूरी पर लग रहा है, तो 1 मीटर सी से 1 मीटर की दूरी पर है 1 = 0। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा होगा, तो ये कहना है 6 RD = सब गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, प्लस 4 आइए 12 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो आर डी 20 30 और ये 33/6। ठीक है, तो ये कितना है 5.5, आर डी कितना आएगा 5.5 किलो न्यूटन। ठीक है, आर डी का वैल्यू कितना आ गया 5.5 किलो न्यूटन। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, आर सी प्लस आर डी में पुट करेंगे, तो हमारा जो आर सी की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1 आर सी प्लस आर डी इक्वल टू 9, तो आर सी इक्वल टू 9 - RD और 9 - 5.5, तो क्या जाएगा 3.5 RC की वैल्यू आ जाएगी किलो न्यूटन।
तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जो आंसर हमको निकालना था वो निकल करके आ गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लोड और यूडीएल एक साथ देगा तो बिल्कुल घबराने की बिल्कुल जरूरत है। जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसको ध्यान से समझ लेना है और खुद से दो चार क्वेश्चन आप अपने बुक उठाइए, दो चार क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए उसको सॉल्व करिए, और जितना क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं कम से कम दो बार तो जरूर कर लीजिए, तो बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कम से कम उतना ही पढ़ लेंगे तब पर भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।